हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं एक मनोविकार तज्ञ, सेक्स रोग विशेषज्ञ, सम्मोहन उपचार तज्ञ, नशा मुक्ति तज्ञ, NLP ट्रेनर और एक कोच हूँ। मैं बताने वाला हूँ आपको स्किजोफ्रेनिया के बारे में, जिसको छिन्न मानस या स्प्लिट पर्सनैलिटी ऐसे बोलते हैं, मतलब एक ही आदमी में दो आदमी, जिसको हम हमारी वर्नैक्युलर भाषा में पागलपन भी कह सकते हैं। उसके अलग 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 प्रकार है। जैसे स्किजोफ्रेनिया में सिंपल स्किजोफ्रेनिया है, कैटाटोनिक स्किजोफ्रेनिया है, हेबीफ्रेनिक स्किजोफ्रेनिया है, पैरानॉइड स्किजोफ्रेनिया, अलग 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 उसके प्रकार है। इसमें रियलिटी यह है कि ये यदि जल्दी पेशेंट हमारे पास में लाते हैं या आ जाता है तो उसका इलाज पूरा हो सकता है। स्किजोफ्रेनिया ये दिमाग का कैंसर बोला जाता है कि दिमाग का कैंसर है। इसका क्या इलाज हो सकता है? तो उसके दवाई है, मेडिसिन है। काफ़ी सारी मेडिसिन निकली हुई है कि जो हम मेडिसिन देते हैं, और मेडिसिन के साथ साथ साइकोथेरेपी भी देते हैं, फैमिली सपोर्ट भी करते हैं, तो 33% लोग इसमें से अच्छे हो सकते हैं। 33% लोग ऐसे हैं कि जो दवा खा के सपोर्ट करके, फैमिली सपोर्ट है, साइकोथेरेपी है, मेडिसिनल सपोर्ट है, ऐसा पूरा सपोर्ट करके 33% लोग अच्छा जीवन जी सकते हैं। मतलब वो दवा भी खा रहे हैं और अच्छा जीवन भी जी रहे हैं। जैसा फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है, शुगर की बीमारी, या ब्लड प्रेशर है, कि दवा खाते हैं और उनका जीवन जीते हैं और दवा उनको ज़िंदगी भर खानी पड़ती है। तो ऐसे जो पेशेंट है स्किज़ोफ्रेनिया के, उनको ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेंगी, मगर वो अपना जीवन अच्छी तरह से जी सकते हैं। तो ये दूसरी कैटेगरी हो गई। पहले कैटेगरी की 33% लोगों को इलाज किया, दवा खाया, अच्छे हो गए, बाद में ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा। 33% लोग ऐसे हैं कि जिनको दवा ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी और मगर वो अच्छा जीवन जी सकते हैं। और फिर 33 या 34% लोग ऐसे हैं कि जिनको काफ़ी लेट लाया जाता है हमारे तरफ, बाहर का करो, कुछ तो भी भूत पिशाच से उनको लगा हुआ है, या फिर बराबर दवाई नहीं दी जाती, या कुछ इलाज बराबर नहीं किया जाता, और काफ़ी लेट हमारे पास में लेके आते हैं, और बाद में फिर उनको दवा कितनी भी दिया तभी भी फिर उनका इलाज अच्छा होता नहीं है। दवा खाते रहते हैं और दवा खाने के बावजूद भी 100% रिकवरी, 100% अच्छा होते नहीं, वो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होते रहता है, और उनको दवा खानी पड़ती है, और दवा खाने के बावजूद भी अच्छा होंगे गारंटी नहीं है, मगर तभी भी दवा खा के थोड़ा सा अच्छा रह सकते हैं। ये जो पहले 66% लोग हैं, ये अच्छा काम भी कर सकते हैं, उनका ओरिजिनल जो पहले काम करते हैं वो काम वो कर सकते हैं, उनकी शादी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर ये जो 33-34% लोग जो है, जो दवा खा के भी पूरे अच्छे होते नहीं हैं, तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम ऐसा होता है कि माँ बाप बोलते कि नहीं, इसकी शादी कर दिया तो अच्छा हो जाएगा, शादी कर दिया, फिर बच्चे हो गए, नहीं तो बच्चे हो जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। होता क्या है कि जिम्मेदारी ज़्यादा ज़्यादा बढ़ती जाती है, बीमारी ज़्यादा ज़्यादा और बढ़ती जाती है। तो ये हकीकत है इसकी, स्किज़ोफ्रेनिया की। इसमें इलेक्ट्रिक कन्वल्सिव थेरेपी जो है, ECT, तो वो भी हम देते हैं कुछ लोगों को, कि वो देने के बावजूद भी लोग कभी मतलब अच्छे हो सकते हैं या कभी नहीं भी होते, मगर उसमें भी ECT से काफ़ी लोगों में फ़ायदा होता है कि जो लोग अच्छे होते नहीं हैं उसमें। अभी नई नई जो दवाई निकली है, लाइक क्लोजेपिन, अब ये क्लोजेपिन जो दवाई है, ये तो मैंने मेरे पास के जो ऐसे पेशेंट है कि जो काफ़ी सालों से दवाइयाँ खा रहे थे, अच्छे नहीं हो रहे थे, मगर ये क्लोजेपिन देने के बाद में ये पूरे अच्छे हो गए। मतलब ऐसा बोला जाता है कि क्लोजेपिन ये गोल्डन ट्रीटमेंट है स्किज़ोफ्रेनिया के लिए, और कुछ कुछ लोगों के लिए गोल्ड साबित हो चुकी है। अभी काफ़ी सारी नई नई दवाई आई हुई है, वो दवाई से कितना अच्छा होता है, 100% रिकवरी, पता नहीं, मगर मेरा इतना ही कहना है जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको, कि जितना जल्दी डॉक्टर के पास में, साइकेट्रिस्ट के पास में आप पेशेंट को लेके जाते हैं उतना अच्छा है, ताकि वो अपना जीवन पहले जैसा जी सकता है। आपके परिचित जितने भी लोग होंगे उनको जरूर ये वीडियो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि हम एक अच्छा भारत का निर्माण कर सकते हैं। हमारे देश में कम से कम 1% लोग जो है वो ये बीमारी से ग्रस्त है। 1% बहुत ज़्यादा हो गया हिस्सा कि उनको ये बीमारी रहती है, तो वो यदि हम अच्छे करते हैं तो देखो हमारा हमारा लाइफ कैसा होगा, हमारा देश कैसा होगा। जरूर ये शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।